नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आपको मैं आज आगे की चारपाई के बारे में बताऊंगा। पार्ट 5 तक आपको बता चुका हूं, अब इसको आगे किस प्रकार बनाया जाएगा वो देखिए। तो इसमें सर्वप्रथम हम ये तीन नीचे और उसके बाद में ये तीन ऊपर, फिर ये दो नीचे, ये चार ऊपर। चार हम इसलिए ऊपर ले रहे हैं क्योंकि ये जो चार चार का डबल क्रॉस डिजाइन बन रही है। फिर यहाँ से तीन नीचे तीन ऊपर, इसके आगे यहाँ पे तीन नीचे और ये तीन ऊपर। फिर यहाँ पे आपको एक रस्सी दबानी, एक रस्सी दबाकर तीन ऊपर लेनी, फिर ये तीन रस्सी नीचे, फिर यहाँ तीन ऊपर लेके यहाँ तीन नीचे। उसके बाद आपको यहाँ से ये पांच रस्सी उठा लेनी है, ये पांच रस्सी उठाकर यहाँ पे तीन रस्सी नीचे और यहाँ से तीन रस्सी ऊपर। उसके बाद में आपको यहाँ पे तीन रस्सी नीचे और तीन रस्सी ऊपर, उसके बाद में ये एक रस्सी दबानी है। फिर यहाँ से ये तीन रस्सी ऊपर और ये तीन रस्सी नीचे, उसके बाद में ये तीन रस्सी ऊपर, ये तीन रस्सी नीचे और फिर से ये चार रस्सी उठा लेनी, जिससे ये डबल क्रॉस डिजाइन बन रही है। यहाँ पे हमने एक रस्सी दबाई थी, अब यहाँ पे दो रस्सी दबानी है। उसके बाद में ये तीन रस्सी ऊपर और आगे ये तीन रस्सी नीचे। फिर यहाँ से हमें ये घुंडी लगा लेनी है। अगर ये पीछे रह रहा है इससे थोड़ा सा, इसकी साइज अगर इसकी डिजाइन यहाँ से थोड़ी पीछे लग रही है तो आप यहाँ पे ये डबल आटा लगा सकते हो इस प्रकार से। तो मैंने ये लगा लिया है। तो इसके बाद में ये मैंने ये घुंडी लगा ली है। और इसको वापस खींचकर यहां पे भी घुंडी लगा लेनी है, यहां पे भी आपको डबल आंटी लगा लेनी है। ये लगाने के बाद में आपको यहां पे ये घुंडी लगा लेनी है। तो अभी आप आसानी से इसको बन सकते हो। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे कमेंट भी करें आपको ये चारपाई कैसी लगी। तो आप इसको पास में चिपका कर हम इसको आगे से और रस्सी चलाएंगे। तो यहाँ पे हमें ये दो नीचे, ये तीन ऊपर, ये तीन नीचे और फिर यहाँ से ये दो रस्सी नीचे और तीन रस्सी ऊपर, आगे ये तीन रस्सी नीचे, ये तीन ऊपर। अब पहले हमने यहाँ पे एक रस्सी दबाई थी तो ये डबल क्रॉस डिजाइन बनाने के लिए अभी यहाँ पे तीन रस्सी दबानी है। और ये तीन रस्सी ऊपर, ये एक रस्सी नीचे और ये तीन रस्सी ऊपर। इसके बाद हमें ये तीन रस्सी नीचे और ये तीन रस्सी ऊपर, यहाँ पे एक रस्सी दबाकर तीन रस्सी ऊपर लेनी है। उसके बाद ये तीन रस्सी ऊपर और यहाँ पे फिर से हमें एक रस्सी दबानी है और ये तीन रस्सी ऊपर लेके यहाँ पे ये तीन रस्सी दबा देनी है। उसके बाद में ये तीन रस्सी ऊपर, ये तीन रस्सी नीचे और ये तीन रस्सी ऊपर, यहाँ पे दो रस्सी दबानी है। पहले यहाँ पे तीन रस्सी दबाई थी, अब दो दबानी है। तो पहले यहाँ पे दो दबाई थी तो यहाँ पे अभी तीन रस्सी दबानी है। तो इस प्रकार ये डबल क्रॉस डिजाइन बना सकते हो। डबल क्रॉस डिजाइन बनाना बहुत ही आसान है। तो इस प्रकार से ये फिर से हम ये घुंडी लगा लेते हैं। मैं इस वीडियो को धीरे इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था और फोन भी आया था, उन्होंने बोला था कि आप बहुत स्पीड से बता रहे हो तो थोड़ा इसको स्लो मोशन में समझाए तो समझ में आए, तो इसलिए मैं आपको ये स्लो मोशन में बता रहा हूं। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो इस प्रकार से ये डिजाइन बना रहे हैं। तो आगे यहाँ पे अब एक बड़ा फूल बनेगा, वो किस प्रकार बनेगा मैं आपको आगे बताऊंगा, आप इस मेरे वीडियो को देखते रहे। अब इसे आगे हमें इस प्रकार से चलानी है। तो आप देखिए यहाँ पे फिर से ये चार रस्सी नीचे और चार रस्सी ऊपर,
उसके बाद में यहाँ पे एक रस्सी नीचे, तीन रस्सी ऊपर, तीन रस्सी नीचे, तीन रस्सी ऊपर, तीन नीचे, तीन ऊपर, यहाँ पे एक रस्सी नीचे, तीन रस्सी ऊपर, फिर यहाँ पे तीन रस्सी नीचे और ये तीन रस्सी ऊपर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पे हमें ये तीन रस्सी नीचे और यहाँ पे पांच रस्सी उठानी है, क्योंकि यहाँ पे हम फूल बनाएंगे आगे वाला, तो यहाँ पे हमें पांच रस्सी उठानी है। फिर यहाँ पे तीन रस्सी नीचे, तीन रस्सी ऊपर, तीन रस्सी नीचे, उसके बाद में ये तीन रस्सी ऊपर लेके यहाँ पे एक रस्सी दबानी है। फिर आगे इसी प्रकार हमें तीन रस्सी ऊपर और तीन रस्सी नीचे लेती हैं, लेनी है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, ये ऊपर, और इस प्रकार से ये हमें आगे इसका प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ पे ये हमने ये यहाँ पे गुंडी लगा ली है, अब आगे हमें इसको वापस खींच के यहाँ पे गुंडी लगा लेनी है। ज़्यादा टाइट नहीं करें, अगर आप ज़्यादा टाइट बनाओगे तो आगे आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये चारपाई दोनों तरफ से खींच कर बीच में से पतली हो जाएगी और टूटने का भी डर रहता है। तो ज़्यादा टाइट नहीं करें और इसे हम पास चिपका देते हैं इसको। ये चिपका ली, अब यहाँ पे हमें इन चार को ऊपर ले लेना है, ये चार ऊपर और ये चार नीचे, फिर ये तीन ऊपर, तीन नीचे, ये तीन ऊपर, यहाँ पे पांच रस्सी दबाकर पांच रस्सी उठा लेनी है। फिर यहाँ पे ये तीन रस्सी नीचे और तीन ऊपर, उसके बाद में फिर यहाँ से आगे हमें ये तीन रस्सी नीचे और ये तीन रस्सी ऊपर लेनी है। उसके बाद में ये एक रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठा लेनी है। यहाँ पे ये एक रस्सी दबाई, यहाँ पे फूल स्टार्ट हो रहा है, आप इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ पे ये तीन रस्सी ऊपर, ये तीन रस्सी नीचे और पांच रस्सी यहाँ पे उठा लेनी है। उसके बाद में यहाँ पे पांच रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठा लेनी है, फिर यहाँ पे तीन रस्सी नीचे और तीन ऊपर, उसके बाद में ये चार रस्सी नीचे और चार रस्सी ऊपर, आगे ये एक रस्सी दबाकर यहाँ पे हम ये गुंडी लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से ये हमें लगा लेनी है। ये देखो ये मैंने लगा ली है, और अब इसको ये यहाँ पे भी गुंडी लगा ली है, अब इसको पास में चिपका देते हैं। इस प्रकार से ये पास में चिपका दिया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। तो ये देखिए मैंने ये डिजाइन बनाई है, ये छोटा फूल वाली है, ये डबल क्रॉस डिजाइन यहाँ तक आ चुकी है इसके पास में, और यहाँ पे ये फूल स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे भी ये इस साइड में भी जा रही है। तो आप देखिए इस प्रकार से ये चार पाई बनकर तैयार हो रही है। धन्यवाद।